नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज फिर लेकर आया हूँ एक नया एपिसोड। आज के एपिसोड में हम यूट्यूब के बारे में बात करेंगे। आप भी एक नए यूट्यूबर हैं और आपने अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, फिर भी आपको व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं मिल पा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, आज हम इसके विषय में विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। और मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप अपने यूट्यूब चैनल्स के व्यूज़ को और सब्सक्राइबर दोनों को बढ़ा सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े अपडेट्स समय सबसे पहले पा सकें। अगर आपने अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं लेकिन फिर भी आपको व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आज हम इन कारण के बारे में जानेंगे और इनको कैसे सॉल्व करें उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो वीडियो आप अपने चैनल पर डाल रहे हैं उसके टाइटल को बेस्ट क्वालिटी का ही चूज़ करना है। आपको ऐसा टाइटल अपने वीडियो में रखना है जिसे सब्सक्राइबर पढ़ते ही उस वीडियो को देखने के बारे में सोचें। कुछ लोग वीडियो बनाकर वीडियो तो बहुत अच्छा बना देते हैं लेकिन उसका टाइटल अच्छा नहीं रखते हैं जिसके कारण उनकी वीडियो को बहुत कम देखा जाता है। सर दूसरी ट्रिक जो है, अपने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर शेयर करें। इसके लिए आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए। अगर आप अपने वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं तो वो वीडियो के व्यू कम होते हैं, और जैसे ही आप अपने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यूअर्स मिल जाते हैं और वो व्यूअर्स आपके वीडियो को देखते भी हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अधिक से अधिक व्यू मिलने के चांस होते हैं। तीसरी ट्रिक जो है हमारी, वो रिप्लाई कमेंट्स के बारे में है। अगर आपकी वीडियो पर कोई कमेंट्स आता है, कोई आपसे कुछ पूछता है, तो उसका रिप्लाई जरूर कीजिए। चौथी ट्रिक जो है वो आपके थंबनेल के बारे में है। आपने वीडियो तो बहुत अच्छा बना रखा है लेकिन उस वीडियो के अंदर क्या है, कैसा है, और किसी को नहीं पता, उसको देखने के बाद ही पता चलता है कि वीडियो कितना अच्छा है। तो आपको अपने वीडियो का जो थंबनेल होता है उसको इस तरह से डिजाइन करना है कि देखने में वो अट्रैक्टिव लगे और थंबनेल को देखते ही वीडियो का जो व्यूअर है वो उस वीडियो को जरूर देखे, ऐसा आपका थंबनेल होना चाहिए। पांचवी ट्रिक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन से है। आप जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो तो आप अपलोड कर देते हैं लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ देते हैं या डिस्क्रिप्शन को सही से नहीं लिखते हैं। आपको जो वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन को पूरा लिखना है और अच्छे से लिखना है, साथ साथ डिस्क्रिप्शन के बीच में आपको उन कीवर्ड्स का भी यूज़ करना है जिसके बारे में आपका ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वीडियो अधिक से अधिक सर्च रिजल्ट में शो होगा। छठी ट्रिक जो है हमारी, वो टैग्स के बारे में है। कई बार ऐसा होता है यूट्यूबर्स अपने वीडियो को बहुत अच्छा बनाते हैं, टाइटल भी अच्छा रखते हैं, डिस्क्रिप्शन भी बना देते हैं लेकिन जो टैग वाला सेक्शन है उसे खाली ही छोड़ देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने टैग्स को भी अच्छे से मैनेज करना है। टैग्स में ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करना है जो अधिक से अधिक सर्च किए जाते हों और जो ट्रेंड में चल रहे हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में अधिक से अधिक शो होगा और आपको व्यू मिलने के चांस भी अधिक होंगे। इसके अलावा सातवीं ट्रिक जो है हमारी, वो वीडियो की एडिटिंग से रिलेटेड है। आपने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है लेकिन आपको अपने वीडियो को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है ताकि व्यूअर्स उसे देखने में इंटरेस्टेड हों और उनको आपका वीडियो पसंद आए, जिससे वो उस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने वीडियो को अच्छे से एडिट करना है, उसके बाद ही चैनल को उसे अपलोड करना है। आठवां ट्रिक जो है हमारे, वो वीडियो की लेंथ से रिलेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात किसी वीडियो में जो समझानी होती है वो 2 से 3 मिनट की ही होती है लेकिन कुछ क्रिएटर्स ऐसा करते हैं उस बात को इतना लंबा खींच देते हैं कि वो वीडियो 15 से 20 मिनट का हो जाता है। तो ऐसी वीडियोज़ को व्यूवर्स देखना बहुत कम पसंद करते हैं। अगर आप भी उस वीडियो को देखने लगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा खींच कर बताया गया है। तो वीडियो की लेंथ को इतना रखें कि आसानी से बात को समझाया जा सके और व्यूअर्स को भी देखने में इंटरेस्ट हो और व्यूअर वीडियो देखते हुए बोर बिल्कुल ना हो। अगर मेरे द्वारा बताए गए इन 9 ट्रिक्स को आप यूज़ करते हैं और वीडियो को अपने चैनल पर डालते हैं तो आपके चैनल पर 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको व्यू मिलने के चांस अधिक होंगे और आपको सब्सक्राइबर भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और आने वाले सभी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारे टेक्नोलॉजी से जुड़े अपडेट्स को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।